कि मेरी तेरी कुश्ती है खेतों में, दिल काले अरमान मिटाए, ओ आज न जिंदा में जाने दूं, पाजी सुन ले कान लगाए, ये मन मान गई नव लेखे और हृदय में गई समाए, दोनों लिपट गए आपस में नवली और भयंकर राय। इंधे बेटा शंकर सिंह का, उंधे वीर नवल चौहान, लड़ते लड़ते बहुत देर हो गई, मानी हार किसी ने नाए, दाव घात से दोनों लड़ रहे, अपनी अपनी चोट बचाए, वीर भयंकर के मोड़े पर नवले बहुत गया घबराए, निश्चय जान लिया नवले ने अब यह जान बचेगी ना, छोड़े आसरा जिंदगानी का, मन में सुमर शारदा माए, मनिया देव महबे को सुमरा, गुरु अमरा का ध्यान लगाए। बोला आल्हा जब ललकारा और उधल से कहां सुनाए, काम बन गया जमना मिल गई, नारायण ने करी सहाय, करो तैयारी अब चलने की, सब सामान ले ओ संगवाए, यहाँ ठहरना ठीक नहीं है भैया मेरे, उदय चंद राय, बड़ा लड़ैया शंकर सिंह है, जिसकी जुलम कठिन तलवार, जो कहीं उससे अब बिगड़ेगी, यहाँ पर खपे सभी परिवार, जब ये बात सुनी आल्हा की, जल गया वीर उदय चंद राय, धर ललकार दई उदल ने, मंडलीक से कहा सुनाए, ना डर है तुमको ठट्टे का, कुछ इज्जत की ना परवाह, सौ सौ मन के भजन बने हैं, इज्जत मिट्टी में मिल जाए। चार विलायत हमको जाने, नामी जात बना फर आए, बावनगढ़ की जो चौधर है, सारी मिले खाक में जाए, क्या भय तुझको खाए जाता, भैया मेरे बना पर राय, क्यों घबरावे अपने मन में, तुमको कौन पड़ी परवाह, अभी नहीं हम यहाँ से जाते, हमको खौफ किसी का ना है, क्या है मसाला शंकर सिंह पर, ओटे बोर बना पर राय, अब मैं देखूं शंकरगढ़ में, किसकी मौत पुकारी आए, खोद के बंगला शंकर सिंह का, पक्का ताल देऊं बनवाए। खोद के बंगला शंकर सिंह का, पक्का ताल दम बनवाए, बचन हार करके नवले इसका बचन न खाली जाए, डंड बांध कर शंकर सिंह के जबरन भावर लू डलवाए, दुनिया जाने बना फरों को, ऐसा कौन जो जाने नाए, ब्याह कर छोड़े मोहबे वाले, कुंवारी मांग छोड़ते नाए, इंद्र छोड़ जाए इंद्रासन को, चाहे कैलाश छोड़ जाए वाय, पर मैं नहीं छोड़ूंगा डोला, जो मेरा नाम उदय चंद राय। राम बनावे सो बन जावे, बिगड़ी बनत बनत बन जाए, जो कुछ रच दिया नारायण ने, उसमें घटे बड़े कुछ नाए, फटी पपीरी जब दिन निकला, सोता उठा जगत संसार, नित्य नियम से फारिग होकर राजा पहुंच गए दरबार, हुकुम सुनाया शंकर सिंह ने, सब सरदार लिए बुलवाए, गर्जा राजा जब ललकारा, में वीर
वीरों का लेम बलाए, करो तैयारी रण खेतों की, अपने लो हथियार लगाए, उल्टी बम सब सीधी कर दो, मारू बाजा दो बजवाए, जितना घोड़ा घोड़शाला में काठी एक संग पड़ जाए, जितने हाथी हाथ खाने में सब पर होदा दो धरवाए, जितनी तोपे शंकर गण में सब चरखिन पर देव चढ़ाए, पैदल पलटन और रिसाले सब दल कमर बंद हो जाए। और पूछ बोल दिया हलकारों ने पल की देर लगाई ना, जहाँ पर बैठे महवे वाले हाथ जोड़ कर कहा सुनाए, दुश्मन या पहुंचा मोड़े पर अपना खेत बुहाराया है, जिसकी बरनी शंकर सिंह से तुम भी उसको देव पठाए, जब ये बात सुनी आल्हा ने उसकी गई समझ में आए, धर ललकार दई आल्हा ने और उदल से कहा सुनाए, दुश्मन गरज रहा खेतों में अपना खेत बुहारो जाए, किसके पहरे अब तुम देखो अपने लो हथियार लगाए, ये मनमानी है उदल के उठा झपट के उदय चंद्राए, खाया तमाड़ा नर उदल ने सुर्खी गई बदन पर छाए, रौंदा उसका भुज दंडों का बाजू गड़े मांस में जाए, हाँ शेर दहाड़े ज्यों जंगल में भक्ति नाग बमी में जाए। जब ये जान लिया जागन ने बेबस हुआ उदय चंद्रा, झपट के जागन बढ़ाया गाड़ी और हमारी एक तलवार घुमाए, मार मार कर नर लाखन ने, मार मार कर नर जागन ने राजा के दिए होश बुलाए, क्रोध में आकर शंकर सिंह ने नंगीली तलवार उठाए, हाथी खूनी शंकर सिंह का उसको दीना बेल थमाए, घुमाई सांकल जब हाथी ने उसमें फंसा जगन सी राय, खाया तमाड़ा नर मलखे ने गुस्सा भरा बदन में जाए, जीन पकड़ ली गरी मन सुखा अब चढ़ गया बना पर राय, इंधे झपटा बच्छ राज का दीनी मारा मार मचाए, उंधे झपटे सभी बना पर एक ही संग पड़े अल्लाह, अब गर्जी रानी मंडली की कहने लगी मचल देना, जाओ बेटा शंकर गढ़ को सब कुछ भली करे करतार, इतनी सुनकर इंदल चल पड़ा और घोड़े पर हुआ सवार, कीड़ लगाई जब घोड़े के उसने दीने पंख पसार, उड़ गया घोड़ा आसमान को उसने दीने पंख फैलाए, काले बादल की लाली ने जैसे बाज रहा मंडराए, करी तैयारी रानी खुलवाने और मछला भी हुई तैयार, झोले उठा लिए जादू के सारी विवता ली ललकार, उड़न खटोला एक वीरों से उन दोनों ने लिया मंगाए, ध्यान लगा कर गुरु अमरा का उड़न खटोला दिया उड़ाए, उड़न खटोला इनका उड़ता घोड़ा उड़ा ये दल सीराए, डबल पूछ तीनों ने बोला शंकरगढ़ में पहुंचे जाए, उसी जगह पर इन दल पहुंचा ठहरे जहां बना पर राय, जब नहीं लश्कर वहां पर देखा इंदर बहुत गया घबराए, होश बिगड़ गए नरेंदल के मुँह का थूक बंद हो जाए, गस खा करके इंदल गिर गया तन का होश रहा कुछ ना है, मछला फुलवा दोनों उतरी नरूदल को लिया उठाए,
अरे होश में करके नरी इंदल को रानी मछला ने कहा सुनाए, अच्छा भला तू घर से आया, अब क्या हुआ इंदल सीराए। आंखें खोली जब इंदल ने आंसू भरे आंख में जाए, हाल बताऊं क्या जिवड़े का मुझसे हाल कहा ना जाए। यहाँ छोड़ गया था मैं सबको ठहरे यहाँ बना फर्राए, पर यह जगह पड़ी है खाली लश्कर कहीं दिखता ना आए। ये चक्कर सारा जादू का पहले लो तुम पता लगाए, धीरे धरो गम दूर करो तुम जो कुछ ऐसा हो जाए। इतनी सुन करके मछला से रानी पुलवा ने कहा सुनाए, जो तुम कहो करूं सो बहना पर कुंडली को देव बचाए। इस पर जवाब दिया मछला ने देवरानी का ले बलाए, डाल के झोली अब कंधे पर मनहार इनका भेष बनाए। शंकरगढ़ में चूड़ियां बेचे और सब लाभे भेद लगाए, कमलावती के चले महल में चूड़ियां वहां पर बेचे जाए। और भेष बनाया सौदागर का सब सामान लिया संगवाए, बदल के बाना बन सौदागर चलने लगा इंदल सीराए। और फिर समझा कर माता बोली ने बेटे काले बलाए, बुरा जो कह जाए परदेशों में उसका गिला मानियो ना, जगह बरानी भूम डरानी अपना कोई सनी बीनाए। इसको छोड़ो इसी जगह पर अब आगे का सुनो हवाल, दोनों पहुंची शंकरगढ़ में चूड़ियां लाई मोल बिसाए, झोली डाल गई कंधों में एक एक सोटे को संगवाए, चूड़ियां बेचे गली गली में अपना मतलब रही बनाए, नीली पीली लाल हरी बिल्लोरी ले लो नगदार। और घूमती जाबे और बतलाबे यूं तो पता मिलेगा ना, चलो महल में कमलावती के सारा भेद अभी खुल जाए। और महल तले जाकर दोनों ने जब आवाज लगाई जाए, चूड़ियां पहनो बेश कीमती ऐसी कहीं मिलेगी ना, जो कोई पहने इन चूड़ियों को अभिलाषा पूरी हो जाए, ना कुछ कीमत इनकी भारी चाहे पहन कर लो अजमाए। जब आवाज सुनी कमला ने वो खिड़की से झांकी जाए, शान देख कर उन दोनों की कमला सोच सोच रह जाए, गजब गजब की शान है इनकी कौन देश से पहुंची आए, बड़ी अनोखी मन हारिन है जिनका रूप न बरना जाए। बांधी बांधी को ललकारा और कमला ने कहा सुनाए, हुक्म पाए कर बांधी चल पड़ी और द्वारे में पहुंची जाए। परदेशों में चूड़ियां बेचन बलम गए सो आए ना, पता लगाया नगर नगर में अब तक पता लगा है ना, देश देश में हम घूमे हैं कहीं को पता लगेगा जाए। अब हम जावे गढ़ महोदय में रानी मछला से पूछे जाए, इतनी सुनकर मछला बोली और कमला से कहा सुनाए, जादूगरनी रानी मछला है भूत भविष्य हाल बतलाए, पंडित देखे छांट पत्रा देखे रसल सदा रंभाल, मछला पर है वीर बहुत से जो सब पता दे तत्काल।